ओके, तो शेडिंग दो तरह से होती है। एक तो पेंसिल को पूरी नोक के उधर से पकड़ कर देखो, जैसे बालों हेयर ड्रॉ करने पड़ते हैं जब, या फिर स्ट्रोक्स लगाने पड़ते हैं, तो हम इधर से पकड़ते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ऐसे शेडिंग करते हैं, ठीक है, जैसे बालों की करते हैं। आपने देखा होगा जो शाइनिंग के लिए मैंने किया था। ओके, तो वो बाय द प्रेशर यूज़ करके और पेंसिल के हिसाब से 2B HB 4B उसके हिसाब से शेडिंग करते हैं और सीधे सीधे स्ट्रोक्स लगाते हैं। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, और हेयर्स के लिए आपको इधर से पेंसिल पकड़नी होगी, मतलब कि स्टार्टिंग से। ओके, और सीधे सीधे स्ट्रोक्स लगाने हैं, तो ऐसे। और ये 6P पेंसिल है जिसका यूज़ अभी मैं कर रहा हूँ। डार्केस्ट एरियाज को कवर करने के लिए होती है ज़्यादातर, 6B 7B 8B। ओके, तो अब देखिए, नॉर्मली जब फेस की हम स्मूथ शेडिंग करते हैं तो पेंसिल को हम टिप की नोक से पकड़ते हैं, मतलब कि एंड के कॉर्नर से पकड़ते हैं और हल्के हल्के हाथों से लाइटली शेडिंग करते हैं। इससे जो हमारा फेस का टेक्सचर होता है वो बहुत ही स्मूथ आता है, और जो हमको स्मूथ टेक्सचर देना होता है उधर आता है, ठीक है। लाइनिंग्स नहीं दिखती है, मतलब इसमें सारी लाइनिंग्स एक समान होती है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, एंड के कॉर्नर से पकड़िए और हल्के हाथों से कीजिए। तो ये दो तरह की शेडिंग आपको सीखनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नॉर्मली पहली तो हेयर्स के लिए होती है, बालों के लिए होती है, आईब्रो हो गई, आईलेसेस हो गए, तो उनके लिए पहली शेडिंग है। और दूसरी शेडिंग है टेक्सचर के लिए, फेस का टेक्सचर हो गया, आइज़ का टेक्सचर हो गया। तो ये दो तरह की शेडिंग आपको आनी चाहिए और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। एंड में ब्लेंडिंग करते हैं हम, तो वो बिल्कुल ही देखिए, दूसरा वाला बिल्कुल स्मूथ हो चुका है टेक्सचर, जबकि इसमें अभी लाइनिंग्स दिख रही है पहले वाली शेडिंग में।